सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया। उन्होंने घंटाघर तक जाने वाली शोभा यात्रा से पहले भगवान नरसिंह की आरती उतारी। इस दौरान सीएम योगी ने फूलों की होली भी खेली। बताते चले कि होली के अवसर पर हर वर्ष शोभा यात्रा निकली जाती है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और सुरक्षित तरीके से होली खेलने को कहा। बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व 2010 बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान की शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार शुरू कराया गया, लेकिन सेहत में सुधार न होने पर परिजनों ने सोमवार सुबह मौलाना तौकीर रजा को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी इलाज चल रहा है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान हॉट पेशेंट हैं और कुछ साल पहले उनके हॉट में रिंग पड़ चुका है। वहीं बीते शनिवार देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के बाद आईएमसी प्रमुख को शहर में स्टेडियम रोड स्थित निजी अस्पताल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको एडमिट कर इलाज शुरू किया, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। न्यायालय सदर हवालात से फरार हिस्ट्रीशीट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फरार हिस्ट्रीशीट के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। होली खेलने शहर में आया था हिस्ट्रीशीट अंकित यादव, लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए हिस्ट्रीशीट के ऊपर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के दरगाह आला हजरत के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। बरेली में बड़ी बमनपुरी की विश्व प्रसिद्ध 164वीं रामलीला के अवसर पर श्री रामलीला सभा की ओर से नाथनगरी में भव्य राम बारात निकाली गई, जिसमें रथों पर सवार तमाम देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकियां शामिल रहीं। इस राम बारात में बहुत बड़ी संख्या में हुरियारे शामिल हुए, जो शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर रंग बरसाकर शहर के लोगों को होली के रंग में सराबोर करते चल रहे थे। बमनपुरी की विश्व प्रसिद्ध 164वीं रामलीला के अवसर पर श्री रामलीला सभा की ओर से आज नाथनगरी में भव्य राम बारात निकाली गई, जिसमें रथों पर सवार तमाम देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकियां शामिल रहीं। इस राम बारात में बहुत बड़ी संख्या में हुरियारे शामिल हुए, जो शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर रंग बरसाकर शहर के लोगों को होली के रंग में सराबोर करते चल रहे थे। बरेली में प्रेमिका से शादी करने के लिए बीवी को 3 तलाक दे दिया। एसएसपी के आदेश पर थाना बारादरी में पति समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। ससुराल वालों पर दहेज में कार और फ्लैट भी मांगने का आरोप है। नवादा शेखान में रहने वाली सोहेला ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था कि उनका निकाह 14 अप्रैल 2013 को कानपुर के अजीतगंज कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद नवाज के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल वाले दहेज में लग्जरी कार और फ्लैट की मांग करने लगे। इनकार करने पर उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके पति ने घर आकर उनके साथ मारपीट की और 3 तलाक दे दिया। बारादरी पुलिस ने सोहेला के पति मोहम्मद नवाज, सास, ससुर सहित कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। बरेली में लंबे समय से इज्जतनगर रेल मंडल में मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेनों का संचालन करने की मांग की जा रही थी। अब मंडल 4 रेक मेमू ट्रेनों की प्राप्त हुई है। होली के मौके पर इसका संचालन भी शुरू हो गया है। बरेली सिटी काशीपुर डेमो ट्रेन को मेमू में बदला जाएगा। काशीपुर बरेली सिटी नई रेक के साथ चलेगी। वहीं काशीपुर बरेली सिटी डेमो के स्थान पर काशीपुर बरेली सिटी मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा। बरेली में ओवला के ग्राम मनोना के समीप बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। स्थानीय लोगों के मुताबिक आंवला लठेता मोहल्ला निवासी रक्षपाल मौर्य पुत्र पंकज मौर्य 22 वर्ष सोमवार शाम को अपनी बहन के घर पैपल से लौट रहा था। साथ में दूसरा युवक उमेश उम्र 22 वर्ष निवासी आंवला ताड़गंज गोटिया को सड़क के किनारे तालाब के नजदीक पड़े थे, तभी ग्राम मनोना निवासी विशाल चौहान ने घटना की जानकारी 112 नंबर को दी। तुरंत घटना स्थल पर डायल 112 नंबर व एम्बुलेंस पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बरेली में भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह और जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने पार्टी कार्यालय पर सपा समेत दूसरे दलों से आए नेताओं और ग्राम प्रधानों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराए। भोजीपुरा से सपा के पूर्व जिला सचिव अर्जुन सिंह नीटू, प्रधान लालता प्रसाद, अरविंद सिंह, वीरपाल, रवि जोहरी, बहेड़ी से बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर रहे गंगाराम मौर्य, रामदयाल मौर्य समेत 15 से अधिक सभासद और 20 से अधिक प्रधानों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, पूर्व मंत्री बहोरन लाल मौर्य, वीरपाल गंगवार, राहुल साहू, मेघनाथ सिंह कठेरिया आदि उपस्थित रहे।
बरेली के ऐतिहासिक होली मिलन मेले का आयोजन किया गया, जहां पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के स्टॉल लगे और पूरे शहर के गणमान्य लोगों ने होली मेले में गले लगकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। मेले में वैश्य कुमार तनय सभा के स्टॉल पर बड़ी संख्या में शहर के राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य लोगों ने सभा के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, महामंत्री आशीष गुप्ता, तुषार गुप्ता, डॉक्टर आनंद किशोर गुप्ता, सचिन गुप्ता, अरविंद गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। होली के त्योहार पर दबंग कर रहे थे अश्लील हरकत। अश्लील हरकत का विरोध करना टिंकू को पड़ा महंगा। दबंगों ने ईंट से कुचलकर टिंकू की हत्या कर दी। दबंगों के अश्लील हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 3 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। ये घटना बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर के गोसाई गोटिया की बताई जा रही है।